याद हो गया, यहाँ पे ये एल्डर गार्डियन बैठा है, इसको मैं हाथ से मारूंगा पहले। अबे शिट। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हमारा सभी का फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट। तो मैं बता दूँ, मैंने पिछले एपिसोड में की थी कुछ प्रिपरेशंस, जो आपने अगर नहीं देखा जो एपिसोड तो जाके देख लो, पहले प्रिपरेशन देख लो फिर अपन चलेंगे। आज मैं करने क्या वाला हूँ, आज मैं जाने वाला हूँ ओशन मोनूमेंट एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहुत टाइम जाने वाला है आज, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ एंड तक देख लेना, कुछ सरप्राइज़ भी है। तो पहले मैं अपने पिछले बार का क्वेश्चन बता देता हूँ। पिछले बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पिकेक्स पे जो मेंडिंग लगी है और अगर हम उससे कुछ तोड़ेंगे, तो अगर हम मेंडिंग से कुछ तोड़ेंगे तो हमारी जो एक्सपी है वो एक्सपी बार हमारा जो है फिल होगा कि नहीं है जो एक्सपी बार है। तो एक भाई ने बोला है, स्क्रैपल गेमिंग नाम है उनका, तो उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, अगर तुम्हारे हाथ में पिकेक्स मेंडिंग वाली भी रहेगी तो फिर तो भी तुम्हारा एक्सपी बार है वो फिल होने वाला है। तो थैंक यू भाई बताने के लिए, तो शाउट आउट टू यू भाई स्क्रैपल गेमिंग। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ फर्स्ट पर्सन मोड में, अब हम चलते हैं, मैंने कुछ अपग्रेड्स किए हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ, सो जाता हूँ, अभी रात हो रही है और कुछ अपग्रेड्स किए दिखाना बाकी है वो। ठीक है, उठ गया, अब हम धीरे धीरे अपग्रेड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं डायमंड के ब्लॉक्स जैसे आए, मैंने डायमंड्स ढूंढे माइनिंग करके, दो दिन थे, दोनों दिन में मैंने बहुत सारे मतलब ब्लॉक्स, बहुत सारे डायमंड्स ढूंढे, माइन किया, तो मुझको मिल गए ब्लॉक ऑफ डायमंड्स, मतलब मेरे को डायमंड्स मिले फॉर्चून 3 से, मैंने बहुत सारे डायमंड्स माइन किए और मेरे को मिल गए ब्लॉक्स। तो मैं इसको दिखा देता हूँ ये कितने टोटल डायमंड्स हैं। 18 डायमंड्स, ठीक है, एक स्टैक हो चुका है, दूसरा स्टैक भी कंप्लीट और ये तीसरा स्टैक नहीं हुआ है। तो मैं बता दूँ, ये जो इतने सारे डायमंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा माइनिंग के बाद ही मिले। एक दिन मैं आप लोगों को अपना माइन दिखाऊंगा, हर जगह से मतलब खुद खोद लिया मैंने, ठीक है। तो अभी और जो जितने भी मेरे पास चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, देखो लैपिस लेजुली के ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे है रेडस्टोन के ब्लॉक्स बहुत सारे। तो मैं बता दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा करने के लिए, और मैंने ब्लॉक्स इसलिए बना लिए थे कि स्टोरेज कम हो जाए। अब आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, आज के लिए प्रिपरेशंस करनी थी। तो मैं सबसे पहले ये जो ब्लॉक्स है कॉबलस्टोन के, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और हम बना लेते हैं अपने लिए एक एंडर चेस्ट, जो कि आज बनाना था क्योंकि हम चलने वाले आज एक्सप्लोरेशन के लिए। शायद एंडर पल्स यहाँ पर है, नहीं नीचे, हाँ नीचे है हमारी एंडर पल्स। तो नीचे चलता हूँ मैं फटाफट, तो कोई नहीं अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे है और मैंने पूरा सामान यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है जो कि हमें लगेगा ओशन मॉन्यूमेंट को रेड करने के लिए। दो कोल ले लिया मैंने और कोबल स्टोन्स और लकड़ियाँ ले ली है और स्टिक्स और क्राफ्टिंग टेबल, इतनी चीज़ें लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें चाहिए थे एंडर पर्ल्स। अब मैं चलता ऊपर और ऑब्सीडियंस भी ऊपर ही रखे हुए हैं, दो एंडर चेस्ट बनाएंगे और बाकी आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। अब यहाँ से हमें लेना है ऑब्सीडियंस, कहाँ गए ऑब्सीडियंस, शायद वहीं पे रखे होंगे या नीचे वाली चेस्ट में, मैं भी क्या है ऊपर आ गया। हाँ ऑब्सीडियंस यहाँ पर रखे हुए हैं। अब चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल में, सबसे पहले हम बना लेंगे अपने लिए ब्लेज पाउडर्स की ज़रूरत, दो ही ब्लेज पाउडर काफ़ी रहेंगे इसके लिए। तो मैं ब्लेज रॉड्स ले लेता हूँ, एक ही चाहिए, बाकी तो हमारे पास रखने के लिए ही है बस, ठीक है। तो अब यह ब्लेज रॉड है, इसका बनाएंगे हम ब्लेज पाउडर, फिर दो एंडर आई बना लेंगे, आई ऑफ एंडर। और अब हमें क्या करना है, अभी हमें एंडर चेस्ट बना लेनी है, एंडर चेस्ट को देख के बहुत अच्छा लगता है। तो एक एंडर चेस्ट रखेंगे हम हमारे घर में, तो घर में कहाँ पे रखें, मैं जगह चूज़ कर लेता हूँ फटाफट, कहाँ रखूँ, जगह तो फुल दिख रही है, हम रख लेते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रख लेते हैं सामने, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं नीचे से हमारी पिकेक्स, जो कि सिल टच वाली है, पड़ी हुई है मेरे पास, नीचे रहेगी शायद यहाँ पे चेस्ट में हमारी, तो चलते हैं फटाफट। हाँ यहाँ पे मिल गई हमें सिल टच वाली पिकेक्स और हमारे ट्राइडेंट भी लेके जाने वाला हूँ मैं, पानी में कोई तलवार वलवार काम आने वाली है नहीं, तो इसका नाम चेंज कर लेते सिल्क टच वाली पिकेक्स का, नहीं तो
पिकेक्स का पता नहीं चलेगा पिकेक्स कौन सी है, कौन सी वाली कौन सी है, और मैं एंडर चेस्ट तोड़ दूंगा तो मेरे को ऑब्सीडियंस फिर से मिल जाएंगे। तो ये सील टच वाले पिकेक्स है, अब इसका नाम रख लेते हैं नरम नरम कुल्हाड़ी। कोई नहीं, यही नाम ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना नाम तो बता दो, ठीक है। अब इसका नाम है नरम कुल्हाड़ी, मेरे को ऐसे ही नाम आया दिमाग में तो मैंने यही रख दिया। एक इंटर चेस्ट हम लेके चलने वाले हैं और बाकी का सारा सामान हम रख देते हैं अपने चेस्ट में जो कि काम का नहीं है, तो मैं रख लेता हूँ फटाफट। अब हम रखेंगे यहाँ पे वुड इसके अंदर और ग्लोस्टोन भी यहीं पर रख देते हैं कोने में, ठीक है। अब जब सब इधर रख देते बाद में यहाँ से और एक्सप्लोरेशन के बाद यहाँ से उठा लेंगे, और ग्रेवल भी यहीं पर रख देता हूँ, एंड एसिड भी यहीं पर। टॉर्चेस तो चाहिए ही नहीं रहेंगे उधर क्योंकि हम बनाने वाले यहाँ से कॉन्डुएट, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और खाना हमारे पास बहुत है, हाँ खाना बहुत आराम से पड़ा हुआ है। और अब ये मैं चेस्ट को तोड़ लेता हूँ फटाफट, इसमें जितना भी सामान है वो हमारे हाथ में आ जाएगा अभी। हाँ हाथ में आ गया, फुल तो नहीं हो गया ना। हाँ अब यहाँ पे मैं रखता हूँ अपनी एंडर चेस्ट, और एंडर चेस्ट के थोड़े से आयरन इनगोट्स लाने पड़ेंगे हमें ऊपर से। और मैं बता दूँ माइनिंग से आयरन बहुत मिला है, दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। 43 ब्लॉक्स ऑफ आयरन, तो मैं दो ब्लॉक्स निकाल दो 18 आयरन निकाल लेता हूँ और बाकी मैं रख देता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, 18 आयरन डाल देते हैं अपने एंडर चेस्ट में। एंडर चेस्ट तो मैं बता दूँ एंडर चेस्ट का फ़ायदा क्या होता है। एंडर चेस्ट से ये फ़ायदा होता है हमें कि हम जब भी कुछ चीज़ लेके चलते हैं तो फिर अगर हम चेस्ट को तोड़ भी लेंगे ना तो हमारे वो चेस्ट में ही रह जाएगी, बाहर नहीं गिरेगी अपने नॉर्मल चेस्ट की तरह, इसलिए तो चेस्ट भी इसमें रख देते हैं हम। अब इसमें फ्लिंट एंड स्टील रख देते हैं, और ऑब्सीडियन तो हम बाहर ही कहीं पर रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं ऑब्सीडियन, ठीक है। हाँ बस इतना ही छेड़ेगा। अब इसको मैं तोड़ लेता हूँ अपनी नरम कुल्हाड़ी से। हाँ एंडर चेस्ट मिल गई, ठीक है ओके। अब कुछ बचा तो नहीं है जाने के लिए, मैं चेक कर लेता हूँ। सब तो पड़ा हुआ है हमारे पास, बाकी सामान है एंडर चेस्ट में, और कुछ चाहिए तो नहीं। ऑफ कोर्स एक पोर्शन ऑफ वाटर ब्रीदिंग यहाँ पे, रीजनरेशन भी यहाँ पे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। चलो चलते हैं फटाफट एक्सप्लोरेशन के लिए। उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे नेदर पोर्टल को थोड़ा सा चेंज किया है, एकदम स्लाइटली चेंज किया थोड़ा सा। नीचे से वाइट कॉन्क्रीट था मेरे पास, पहले से ही पड़ा हुआ था, वो मैं यहाँ पर लगा दिया है। अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, ब्लैक से तो अच्छा ही दिख रहा है, मैंने काले से गोरा बना दिया इसको। तो बताना कमेंट में ये कैसा लग रहा है, और मैंने अपने जो कंट्रोल्स है वो हाइड कर लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे मेरा जितना भी चीज़ें हैं, नहीं तो बटन्स बीच में आ जाते हैं और यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं दिखती। तो मैंने बटन्स हाइड कर दिए हैं, पीछे से मैंने इसको चेंज नहीं किया है, पीछे से कौन देखता है यार, आगे से देखते सब, ठीक है। और देखना भी किसको है, मेरे को तो देखना है, सोलो सर्वाइवल तो है। तो चलते हैं अपने एक्सप्लोरेशन की तरफ, और एक चीज़ लेना भूल गया मैं, मैप किधर पड़ा है इसका, मैप यहीं पे, ओ बच गया मैं, मेरे को लगा मैप अंदर है, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाता, बिना मैप के कैसे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना मैप, ठीक है। अब तो दिख रहा ही नहीं है मेरे को तो, ओ एक चीज़ ला फिर से भूल गया मैं, एंडर चेस्ट में पड़ा होगा। क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं और ये भी निकाल लेते हैं। अब इसके बनाने देंगे प्लैंक्स, अब प्लैंक्स बना लेते हैं। देखिए एंडर चेस्ट इसलिए काम आता है, और एंडर चेस्ट की एक और खासियत है कि जो दो एंडर चेस्ट रहते हैं वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो जो वो एंडर चेस्ट में पड़ा रहेगा सामान वो इस एंडर चेस्ट में भी दिखेगा मेरे को, मैं ले भी सकता हूँ वो सामान। एक शील्ड बना ली, अब क्या करते हैं एंडर चेस्ट में मैं ये रख देता हूँ, और लॉग्स और आयरन भी इसी में रख देते हैं। अब एरोज़ अपने को चाहिए रहेंगे बीच में, तो ठीक है नरम कुल्हाड़ी से तोड़ लेते हैं इसे। वैसे तो नाम बड़ा अच्छा है नरम कुल्हाड़ी, तो कोई नहीं आगे चलते हैं। अब ये मैं शील्ड को अपने हाथ में रख लेता हूँ दूसरे वाले में, और इसमें पकड़ लेता हूँ मैं मैप, मैप यहाँ पर इन्वेंटरी में रखते हैं और चलते हैं फटाफट एक्सप्लोरेशन पे।
गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ। अभी मैंने छोटा सा एक फ्रेम बनाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ये माइनिंग फटीग लगा दिए इसने इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को ये सब माइन करके निकालने में। यार देखो कैसे माइन कर रहा है ये, कितना धीरे 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 माइन कर रहा है। तो बनाना पड़ेगा मेरे को ये फ्रेम इसका कॉन्डिट का। अब कॉन्डिट बना लेते फटाफट से। यार यहाँ पे ज़्यादा ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को ब्रीदिंग का पोशन लाना पड़ेगा। मैं फटाफट जाता हूँ और लाता हूँ ब्रीदिंग का पोशन, फटाफट से चलते हैं और ब्रीदिंग का पोशन लाते हैं, ब्रीदिंग करनी हमें, और नाइट विजन लाते हैं, दोनों पीते हैं एक एक। नाइट विजन है और ये भी नाइट विजन है, ये वाटर ब्रीदिंग है, ठीक है। तो दोनों एक एक पी लेते हैं हम लोग अभी, क्योंकि हमें चाहिए होंगी वाटर ब्रीदिंग थोड़ी सी, और यहाँ पे चाहिए हमें नाइट विजन, ठीक है। ओके एकदम सही दिख रहा है अभी नीचे हमें, और डॉल्फिन, ठीक है। अब हमें यहाँ से चलना है ऊपर। अबे कौन है बे? अच्छा ये लोग, इसके ये लोग परेशान कर रहे हैं। हट, मरा नहीं क्या वो? अबे बे यार तुम लोग परेशान मत करो। शिट मर गया, इतने जल्दी से मर गया। अरे यार गाइस मर गया मैं, और मैं बेड भी लाना भूल गया था, रिस्पॉन पॉइंट सेट करना भूल गया था। शिट ओ माय गॉड, फिर से जाना पड़ेगा हमें। मेरे को कोऑर्डिनेट्स याद है, मैं जाता हूँ यार। शिट चलते फटाफट, स्किप करना पड़ेगा यार, सही में याद हो गया। यहाँ पे ये एल्डर गार्डियन बैठा है, इसको मैं हाथ से मारूंगा पहले। अबे शिट, तो गाइज मैं फिर से आ चुका हूँ, मेरे को डायरेक्शन याद थी, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं ज़्यादा था। ठीक है तो मेरे पास आ चुका है मेरा डायमंड का आर्मर, मैंने डायमंड का आर्मर बना लिया। मुझे पता चल गया कि ये लोग आयरन आर्मर पे क्या मारते हैं, इसलिए मैंने डायमंड का आर्मर बना लिया है। तो रात हो गई है तो सो जाते हैं, हमें रिस्पॉन पॉइंट सेट करना है, नहीं तो हम फिर से हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसने हमें दे दिए माइनिंग फटीग, और अभी हमें चलने नीचे, और उन लोगों को इग्नोर नहीं करना यार, ये लोग बहुत गंदा मारते, पहले इन लोगों को मारते मारते ही चलूँगा मैं, ठीक है। अब हाँ ठीक है, वही अबे ट्राइडेंट कितना ये होता है पानी में, अभी इसको लग रही क्यों नहीं है? अबे ब्रीदिंग 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 ब्रीदिंग, ठीक है वाटर ब्रीदिंग का पोशन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं पोशंस बना के लाया था ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये इसका नाइट विजन की ज़रूरत नहीं है हमें, ये नाइट विजन ठीक है। हाँ तो अभी मैं ये बूट्स अंदर रख देता हूँ, काम आएंगे, डेप्थ स्ट्राइडर लगा इस पर, और ये सब पूरा आर्मर मैं अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या पीते हैं? वाटर ब्रीदिंग का पोशन, और चलते हैं और मार के आते हैं उन लोगों को। कॉन्डोइट बनाने नहीं दे रहे ना ये लोग, हट हट डॉल्फिन हट, ठीक है मारोगे मारो। अरे इन लोग भी बहुत बेकार डैमेज देते हैं, इन लोग भी आ जा, मर गया एक। अब इसको मारना है, ये लोग बहुत डैमेज कर रहे हैं इसलिए पहले इन लोग को मार के लूँगा मैं। अबे क्या, अरे शिट क्या गंदा डैमेज कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं लोग मेरे को यार, बहुत बेकार डैमेज कर रहे हैं यार इन लोग, मेरे को लगा नहीं था इतना डैमेज करते रहेंगे इन लोग, इतनी ज़्यादा हेल्थ खा रहे मेरी। अबे तुम लोग हटो ना, मरूंगा यार, तीन चार बार तो मर जाऊंगा मैं इधर पे। तो मैं फटाफट बनाता हूँ अपना कॉन्ड्रेट, इतना बन चुका है अब इतना बनाना है, ठीक है इतना बन चुका है। अब यहाँ से लेते हैं ऊपर रखते हैं कॉन्ड्रेट, और यार ऐसी माइन करना पड़ेगा अभी, माइनिंग के लिए वो भी नहीं मेरे पास। अरे शेट ये भाई, अच्छा ये ड्रोन भी आ गया था क्या? पहले मैं इन लोगों को मार लूँ, हाँ
भाई यहाँ पे एल्डर गार्डियन है, एल्डर गार्डियन हमारा पहला बॉस, कुछ नहीं कर पाएगा ये तो और बेकार डैमेज देगा। इन लोग से बच बच के खेलना है मेरे को। चलो एल्डर गार्डियन हमारा पहला एल्डर गार्डियन मार दिया हमने, अब ऊपर चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, अब यहाँ से ऊपर चलते हैं और बनाते हैं फटाफट कॉन्डुइट। यहाँ से हम ये वाले इससे तोड़ते, टाइम बहुत लगने वाला है, ऐसा लग रहा है मैं ऑब्सीडियन तोड़ रहा हूँ, ऑब्सीडियन से भी स्लो तोड़ रहा है। तो फटाफट तोड़ता हूँ मैं, स्किप करता हूँ। यार इससे जल्दी तो मैं वुडन पिकैक्स से ऑब्सीडियन ही तोड़ देता। इतना टाइम लग रहा है ना, क्या बोलूँ, अभी ये भी तोड़ना पड़ेगा। ओके तो मेरा कॉन्ड्रेट हो चुका है, आधा कॉन्ड्रेट हो चुका है, आधा एक्टिवेट। अब यहाँ से आधा करना है और हो जाएगा पूरा। इसकी रेंज फुल करनी है, ऐसे होती है इसकी रेंज फुल। अगर आपको नहीं आता तो कर लो, और देखो ये पूरा खुल चुका है और इसकी रेंज फुल हो चुकी है। रिजनरेशन देता है कि नहीं ये पता नहीं है मेरे को तो, बट इतना काम तो ये कर ही देता है। एल्डर का ये गार्डियंस को मार दूँ पहले मैं, इतना डैमेज देते ये लोग यार, मेरे को पता नहीं था पहले। लेता मैं तैयारी करके आता पूरी अच्छे से। वही छोड़ो, इनको मारने से अच्छा हम लोग अपना अंदर ही चले जाएँ। ठीक है, यहाँ वाला मार देते हैं यार, पहले नीचे वाला मार दूँ मैं। अभी मेरा ट्राइडेंट आ गया, ये मार दिया। एक और दो तीन शॉट लगेंगे लोगों को, फिर मरते ये लोग। और ये इतना दूर से टारगेट मत कर। एक लगी, एक लगी, दूसरी भी लगी। यस अभी ये लोग मेरे को नहीं मार पाएंगे। ठीक है मैं अंदर चलता हूँ फटाफट मॉन्यूमेंट के। यार टारगेट मत करो मेरे को। ठीक है यार, ये मॉन्यूमेंट रेड करना इतना आसान नहीं है। पहले तो मेरे को लग रहा था बहुत आसान होगा, लेकिन यार ये तो हार्ड है, बहुत काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और यार ये कॉन्ड्रेट की पावर जानी नहीं चाहिए यहाँ पे, वैसे तो जाएगी नहीं, इतना पक्का पक्का है। यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पहले मुझे मारने पड़ेंगे सारे के सारे एल्डर गार्डियंस को, क्योंकि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा, अबे फिर माइनिंग फटिक दे दी। क्योंकि अगर मैं इन लोग को मारूंगा तो ये लोग माइनिंग फटिक देते जाएंगे, और 8 ब्लॉक्स ऑफ गोल्ड कहाँ से खोदूंगा फिर मैं। अभी कुछ आए हैं तो लेके जाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमारा जो वाटर ब्रीदिंग का पोशन है उसका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्डोइट है वो हमें पहले से वाटर ब्रीदिंग का पोशन जैसा देता था। और चौथ एल्डर गार्डियन, और डैमेज भाई, डैमेज डैमेज करता है ये। मारा ये, लास्ट शॉट, लास्ट शॉट, लास्ट शॉट। अरे शेट मर गया। अरे भाई शेट यार, मर गया। यहाँ पे हमारा ओशन मॉन्यूमेंट हो रही है, मेरे को सामान चाहिए मेरा जल्दी जल्दी। यार वो वाला एल्डर गार्डियन, अबे माइनिंग फटीग, अबे घुसने तो दो पहले अंदर। और ये लामा और वेंडरिंग ट्रेड है, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब तक हमारे पास ये है ना, अपना क्या नाम है उसका, जब तक हमारे पास अब तक कॉन्डोइट पड़ा है तब तक कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए मैंने बैकअप प्लान भी लाया था, ताकि मैं स्टार्टिंग में कुछ कर सकूँ, नहीं तो ये लोग तो ऐसे ही नहीं कुछ करने देते मेरे को। यहाँ से ही आ गया, रास्ता याद हो गया। यहाँ पे ये एल्डर गार्डियन बैठा है, इसको मैं हाथ से मारूंगा पहले। अबे शिट, फिर मार दिया उसने। यार कहाँ जाना था यार, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ओए वहाँ पे जाना था क्या, यहाँ पे जाना था। कॉन्ड्रेट बड़ी हेल्प कर रहा है यार, कॉन्ड्रेट नहीं रहता ना इसके बिना कुछ मुमकिन ही नहीं था। फिर दे दी माइनिंग फटी को, और तुम लोग पीछा करना छोड़ो बे। एल्डर गार्डन में आ रहा हूँ। अरे भाई 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 भाई, भाई। चल नहीं तो लास्ट एल्डर गार्डियन बचा है, और सब ले लेते सारा सामान। ओए सारा सामान दे दे रहे। मिल चुका है, आर्मर लगा लेते हैं। अरे भाई बहुत हार्ड था ये सब।
और ये डायमंड डायमंड आता है लिख के रखा है मैंने। जब मैं बना रहा था ना, मैं सर्च सर्च कर करके बनाता हूँ। ऑफकोर्स वैसे ही बनाना पड़ता है, और कैसे बनाते हो तुम लोग। ठीक है, एक माइनिंग फैक्ट्री शायद लास्ट स्पंज रूम वाला बचा है, और लास्ट एल्डर गार्डियन को मार दूंगा। ये बॉस बहुत बेकार है। भाई ट्राइडेंट, अरे भाई ट्राइडेंट दे दो, बट ट्राइडेंट के बिना तो फिर मुश्किल हो जाएगा एकदम। ट्राइडेंट हमारा क्या चला, कहाँ चला गया ट्राइडेंट? अरे भाई यार यही दिक्कत होती है यही सब। मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ के देखता हूँ कुछ मिलेगा कि नहीं। यार नहीं यार, इतना अभी मिलने वाला नहीं है। तो चलते अपन डायरेक्ट चलते स्पंज रूम में, मिल जाएगा उसको मारेंगे फिर हमारा माइनिंग पटिक जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, एकदम एकदम ब्लॉक कर देते हैं। अरे हम ट्राइडेंट चलो, मिल गया मिल गया मिल गया, अरे ट्राइडेंट मिल गया। चलो वही यहाँ से ढूंढना पड़ेगा उसको ही। स्पंज रूम दिखा दो बस, उसकी बैंड बजा दूंगा मैं। यहाँ पर भी नहीं है यार, डेड एंड क्यों मिल रहे हैं मेरे को। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एकदम से बंद, यहाँ पे नहीं आऊंगा मैं फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। गार्डियंस बैठे, अरे अरे भाई 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 भाई, पूंछ हिला रहे बैठ के सब। देख कहाँ जाना है इन लोगों को, कोई रास्ता बता दो इनका, इन लोगों को। यार लोग बहुत परेशान करते हैं भाई, सॉरी भाई। चल निकल, लास्ट शॉट मारना है और मार दिया भाई। लोगों डैमेज इतना है ना भाई, मैं सोचते सोचते रह जाता हूँ। मतलब पहले मेरे को लगता था ना इन लोगों का डैमेज कुछ नहीं है, लोग कुछ नहीं रहेंगे मेरे सामने। बाद में आके डैमेज देखा भाई, ये लोग तो मार ही देते हैं सीधा। एल्डर गार्डियंस बैठा था, फिर दूसरा वहाँ था, और तीसरा स्पंज रूम में। स्पंज रूम मिल रहा नहीं है, कहाँ रहेगा यार ये। ओह स्पंज रूम मिल गया, स्पंज रूम मिल गया। अरे गार्डियन कहाँ पे, गार्डियन कहाँ पे, गार्डियन गार्डियन नहीं है यार यहाँ पे। अबे एल्डर गार्डियन, फिर तीसरा वाला कहाँ मिलेगा मेरे को, नहीं है यार यहाँ पे भी। तो तीसरा वाला माइनिंग फटी कहाँ से दे रहा है यार, फिर दे दी इसने। अरे भाई फिर जाना कहाँ है यार, मैंने सुना है यहीं पे बैठा रहता है वो। अब यार तीसरे वाले को भी ढूंढना पड़ेगा। आज तक इन लोग की मार नहीं खाई थी, खाऊंगा भी कैसे। ओशन मॉन्यूमेंट पहली बार तो रेड करने आ रहा हूँ, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, टाटा, सी यू अगेन। और अगली वीडियो पार्ट टू होगी एक्सप्लोरेशन की, क्योंकि हमारा जो है मरा नहीं है तीसरा वाला एल्डर गार्डियन, और उसको ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। और अगर वो मेरे को ऑफलाइन मिल जाए तो मैं मार दूंगा यार, सही में मार दूंगा मैं। स्पंज रूम तो मिल गया यार, स्पंज रूम के अंदर है ही नहीं बैठा वो, नॉर्मली इसमें बैठा रहता है वो। तो मैं तो आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, टाटा, सी यू अगेन, बाय बाय।